वेलकम बैक इंजीनियर्स फन में आप सभी का स्वागत है हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग लॉट और इलोंगेशन कोई भी आइटम का कैसे चेक करते हैं तो आज हम लोग का आइटम है वी बेल्ट जो पुली में यूज़ होता है कोई भी ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के लिए तो सबसे पहले हम लोग ए, सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं ये देख रहे हैं और ये सैंपल का हम लोग सबसे पहले जो है एलोंगेशन के लिए बेंच मार्किंग करेंगे जो हंड्रेड एम mm का एलोंगेशन का ये आपको दिख रहा होगा कि बेंच मार्किंग हम लोग कर चुके हैं तो ये बेंच मार्किंग होने के बाद तो सैम्पल प्रिपरेशन में बेंच मार्किंग ही मेन इम्पोर्टेंट होता है तो अभी हम लोग जॉब को अपना जो सैंपल है उसको अब टेन यू में ये करेंगे फिक्स करेंगे और हम लोग का जो मेन है कि 100 एम mm एम कर रहे हैं और लोड जो अपना मिनिमम लोड जो मिनिमम रिक्वायर्ड है 1150 केजीएफ ये रिक्वायर्ड है अभी हम लोग ये सैंपल को लगा रहे हैं सैंपल को लगा रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि हम लोग ये इसको मेजर करेंगे 300 हंड्रेड के जी एफ लोड में हम लोग एलोंगेशन को चेक कर लेंगे कि, कि कितना एलोंगेट हुआ तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये इलोंगेट इसका मेजर करेंगे ये अभी लोड अप्लाई करने आ रहे हैं और ये वीडियोस के आखिर में आप देखेंगे पूरा वो ब्रेक हो जाएगा सैंपल तो अभी आप लोड अप्लाई कर रहे हैं लोड अप्लाई कर रहे हैं अभी ये थ्री हंड्रेड के जी एफ लो चेक करेंगे कितना इसका लोड मतलब कितना इलोंगेशन हुआ तो अभी ये देख रहे हैं लोड ये अप्लाई कर रहे हैं ये देखिए लोड धीरे 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 इधर एक्सटेंशन भी हो रहा है मतलब इलोंगेट भी कर रहा है जो मेन हम लोग का ब्रेकिंग लोड और इलोंगेशन चेक करना है तो अभी ये देख रहे हैं ये इलोंगे थ्री हंड्रेड के जी में अभी हम लोग मेजर कर लेंगे ये आया लगभग पॉइंट फाइव एम एम इसका ये हुआ इनके ये मतलब तो ये हंड्रेड वन पॉइंट फाइव हुआ ये देख रहे हैं हम लोग हंड्रेड लिए थे हंड्रेड लिए थे और अभी ये पॉइंट फाइव एम एम अराउंड इनक्रीज़ हुआ तो ये उसके बाद ये हम लोग नोट कर लेंगे उस फिर उस कैलकुलेशन के टाइम में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देख रहे हैं अब हम लोग लोड धीरे धीरे अप्लाई करें और एलोंगेशन को मेजर करते जाएंगे देखिए ये लोड अप्लाई कर रहे हैं और ये लोड अप्लाई होते जा रहा है और इधर एलोंगेशन भी मेजर करते हुए जा रहे हैं देख रहे हैं आप वो जो टेंसाइल मशीन का वाच है वो घड़ी है जो उसमें आपको दिख रहा है कि ये लोड इंक्रीज हो रहा है और हम लोग का मिनिमम रिक्वायर्ड लोड लोड जो है ग्यारह सौ पचास के जी एफ है ये देखिए यहाँ ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक जहाँ हुआ ये ब्रेकिंग लोड हम लोग मेजर कर लेंगे ये ब्रेकिंग लोड अराउंड तेरह सौ साठ के जी एफ आया और ये एलोंगेशन को मेजर कर लेंगे तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलेवन परसेंट हुआ यानी हंड्रेड से जो मिनिमम था ये 11 परसेंट हम लोग का इंक्रीज हुआ और ब्रेकिंग लोड हम लोग का तेरह सौ साठ के जी एफ आया तो दोस्तों हम लोग देखें कि पुली में जनरली टेंशन ही होता है टी वन और टी टू जो टेंशन हम लोग निकालते हैं ना वही होता है तो अभी देखें हम लोग ब्रेकिंग लोड और इसका एलोंगेशन देख चुके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग